मैं अपूर्वा शर्मा और मेरे किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे कैफे डे जैसी हॉट कॉफ़ी, तो चलिए हम बनाते हैं। कॉफ़ी को हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए ना ही कोई मशीन की ज़रूरत है, सिर्फ हम हाथ से इस कॉफ़ी को बनाएंगे, जो बहुत ही अच्छी और कैफ़े जैसी कॉफ़ी बनकर तैयार होगी। अभी हमने लिए एक बाउल और अभी हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी, तो ये ब्रू कॉफ़ी है। अभी हम बाउल में डालेंगे कॉफ़ी, तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच कॉफ़ी ली है। तो अभी हम ऐड करेंगे शुगर, तो हमने यहाँ पर 4 चम्मच शुगर ली है, 3 चम्मच कॉफ़ी और 4 चम्मच शुगर का रेशो बहुत ही अच्छा है। और अभी हम ऐड करेंगे थोड़ा गुनगुना पानी, 3 चम्मच ऐड किया है हमने पानी। और अभी हम चम्मच की सहायता से इसे फेंटना शुरू करेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी फेंट सकते हैं या फिर मशीन की सहायता से भी इसे फेंट सकते हैं। और हमें इसे कंटिन्यू 15 से 20 मिनट फेंटना है। इसे हमें जब तक फेंटना है तब तक कि ये फ्लैपी नहीं हो जाए और शुगर हमारी मेल्ट नहीं हो जाए। तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। कॉफ़ी का कलर बहुत ही लाइट होता जा रहा है। तो कॉफ़ी को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है, हमने इसे 20 मिनट फेंटा है। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम दूध लिया है और ये फुल पैड दूध है और हमने इसे बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉफ़ी मग लिए हैं और अभी मैं इनमें डाल दूँगी 1-1 चम्मच शुगर। ठीक, अभी हम ऐड करेंगे दूध। अभी हम चम्मच की सहायता से शुगर मिक्स करेंगे। हम ऐड करेंगे फेंटी हुई कॉफ़ी। तो हमने दोनों मगों में 2-2 चम्मच कॉफ़ी ऐड की है। चम्मच से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। और अभी हम गार्निश करेंगे कॉफ़ी पाउडर से। तो गाइस, कैफे स्टाइल कॉफ़ी बनकर तैयार है। पीने के लिए बहुत ही टेस्टी और यमी कॉफ़ी बनकर तैयार हुई है। गाइज, मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।